बॉलीवुड टाउन की तमाम एक्ट्रेसेस के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से काफी कुछ खोया है, लेकिन वो गलती कहें या फिर एक एक्सपेरिमेंट, एक्ट्रेसेस की एक्सपेरिमेंट का कई बार नतीजा बहुत अलग निकल जाता है। फिर चाहे वो अपने लुक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट हो, लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा कदम हो, या फिर फिल्मी सफर से दूरी बनाने का फैसला हो, ऐसी गलतियों से अपनी शानदार बॉलीवुड करियर पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आने वाली एक्ट्रेसेस में एक है मिनीषा लांबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच उस मिनीषा लांबा की जिन्होंने रणबीर कपूर के साथ रोमांस किया। बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन आज वो मिनीषा लांबा दूर है इस लाइमलाइट से और निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव का कर रही है सामना। वो मिनीषा जो कि सर्जरी की वजह से काफी क्रिटिसाइज की गई, ट्रॉलर्स ने कोई कमी नहीं रखी थी मिनीषा को उनके सर्जरी के बाद ट्रॉल करने में। खैर, अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियों से डील कर रही हैं बॉलीवुड की एक समय की टॉप एक्ट्रेस मिनीषा लांबा, आज हम आपको बताएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा बेहद खास प्रोग्राम मिनीषा लांबा को लेकर। मतलब आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन मिनीषा वो एक्ट्रेस है जो वाकई में अपनी शादी से लेकर अपने सेपरेशन से फैंस को बड़ा हैरान कर गई, झटका दे गई। उनकी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आईं और कैसे उनकी फिल्मी सफर एक समय काफी ज्यादा चर्चा में रही, और आज वो सिर्फ अपनी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया पर तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में है। आइए हमारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड की दुनिया, हर जगह फिल्मी सितारे और स्क्रीन पर नजर आने वाली एक्ट्रेसेस को आप देखते होंगे कि वो खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कितने सारे उपाय लगाती हैं। बहुत अलग अलग उनके अंदाज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं उनके खूबसूरत रहने के। आज हम आप सभी को बताना चाहेंगे खास रिपोर्ट में किस तरह से बॉलीवुड और टीवी की एक्ट्रेसेस ने सर्जरी का रास्ता अपनाया था। जी हाँ, सर्जरी का रास्ता अपनाकर बॉलीवुड और टीवी की तमाम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खूबसूरती को अपने बनाए रखने के लिए काफ़ी कुछ किया था। जी हाँ, ना सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी बल्कि कई और सर्जरी, लिप्स और नोज की सर्जरी कराने वाली उन एक्ट्रेसेस की हम आपके बीच बात करेंगे जिनके बारे में आप बहुत कम ही सुने होंगे। कॉर्पोरेट हनीमून ट्रैवल्स, 10 कहानियां, बचनाए हसीनों से लेकर भूमि समेत फिल्में करने वाली एक्ट्रेस मिनीषा लांबा, जिनका बीते 18 जनवरी को जन्मदिन मनाया गया था। साल 1985 में जन्म लेने वाली मिनीषा ने बॉलीवुड में रणबीर कपूर के साथ फिल्म बचना है हसीनों में जो काम किया, लोगों को काफी पसंद आया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाई करके मॉडलिंग करने वाली एक्ट्रेस मिनीषा लांबा के बारे में बात की जाए तो वो एक्ट्रेस है मिनीषा लांबा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वाकई में सर्जरी कराने के बाद जो है पूरी तरह से बदल गई। उनके लुक्स को देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते क्योंकि वो कितनी बदल गई है लोग कई बार पहचान नहीं पाते। साल 2005 में सुजीत सरकार की फिल्म यहां से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मिनीषा लांबा के बारे में आपको बताना चाहेंगे। कैडबरी के एड के दौरान निर्देशक सुजीत सरकार ने उन्हें अप्रोच किया। मिनीषा लांबा को अपनी डेब्यू से काफी ज्यादा लाइमलाइट तो नहीं मिली, लेकिन फिर कलर चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 8 में मिनीषा नजर आई। राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर के साथ कंटेस्टेंट्स के साथ उनके रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुए, ये दोनों रिलेशन में भी रह चुके हैं कहा जाता है। ऐसे में बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद मिनीषा ने इन खबरों को जब झूठा करार दिया, कहा हमने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया, तो सवाल खड़ा हुआ कि क्या सच था
खैर मिनिशा लांबा की जिंदगी का एक सच ये भी है कि आज वो कोसो दूर हैं। शादी के बाद उन्होंने अपना घर बसाने के बाद जिंदगी पूरी तरह से अपनी बदली हुई जीने की शुरुआत की। सालों पहले उन्होंने बॉलीवुड से दूरियां बना ली। छूना है आसमां, तेनाली रामा, इंटरनेट वाला लव जैसे टीवी सीरियल में भी मिनिशा ने काम किया। सोशल मीडिया सेंसेशन बनने वाली मिनिशा ने अपनी जबरदस्त बोल्ड तस्वीरों से भी तहलका मचाया। साल 2015 में जुलाई के महीने में बॉयफ्रेंड रियान शाम के साथ शादी रचाने के बाद मिनिशा ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उनकी शादी गुपचुप हुई थी। सर्जरी को लेकर उनकी काफी चर्चा हुई थी इससे पहले, क्योंकि शादी के बाद उनके नोज और लिप्स की सर्जरी के बाद जब सामने आई, सर्जरी के बाद मिनिशा का लुक काफी बदला हुआ नजर आया। लोगों ने उन्हें काफी ट्रॉल भी किया था। शायद ही आपको इसका अंदाजा हो कि इसके बाद भी बॉलीवुड में कुछ खास मिनिशा लांबा की करियर नहीं चली। जी हाँ, ये सच है कि मिनिशा लांबा अपनी करियर को बहुत ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा पाई। मिनिशा वैसे काफी खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं, रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन इन दिनों मिनिशा अपनी जिंदगी गुजार रही हैं अलग। मिनिशा शादी के बाद कहा जाता है कि अलग रहने को लेकर चर्चा में रही। एवरीवन इज ओपन टू लव, लाइफ गोज ऑन। सेपरेशन पर मिनिशा ने ये कहा था। सुनकर आपको हैरानी होगी कि रियान के साथ शादी करने वाली मिनिशा ने लास्ट ईयर अलग होकर लोगों को और चकाया। उन्होंने कहा, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग पार्ट अवे एमिस इबली। मिनिशा लांबा ने कहा, अगर कुछ वर्क नहीं करता है तो सीधा अलग हो जाना चाहिए। सर्जरी कराया, बॉलीवुड से फ्लॉप हुई और काफी कुछ उन्होंने सहा। शादी में जब खुशियां नहीं मिली तो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। अपनी तकलीफ को बयां करते हुए मिनिशा ने रिपोर्ट इंटरव्यू को देते हुए कहा, लाइफ गोज ऑन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी हैप्पी। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, जरूरत है खुश रहने की। अगर कुछ सही नहीं चल रहा तो अलग होना सबसे बेहतर है और तुरंत करना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा, हमारे पास तमाम ऑप्शंस होते हैं, तमाम रास्ते होते हैं। मजबूरी नहीं है कि आप सेपरेशन को अपनी मजबूरी बनाएं। उन्होंने कहा, हर किसी की जिंदगी में प्यार, खुशियां और क्रेजीनेस एक आजादी है। अगर महिलाओं की बात करें तो क्यों महिलाओं को ओपन नहीं होना चाहिए अपनी शादी को लेकर, मिनिशा लांबा ने ये कहा। इसी के साथ साथ अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अपने पति से अलग होने के बाद मिनिशा लांबा ने ये भी बताया है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। 2 साल डेट करने के बाद जिस एंटरप्रेन्योर से यानी कि रियान से उन्होंने शादी की थी, वो बॉलीवुड से नहीं बल्कि बिजनेस से ताल्लुकात रखते थे। साल 2018 में अलग रहने लगी थी रियान से मिनिशा, लेकिन फिर 2 साल बिताने के बाद उन्होंने अलग होने के फैसले पर खुलकर बात की। तो ऐसे उनकी जिंदगी आज गुजर रही है अकेली। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा शो मिनिशा लांबा को लेकर। वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे आप नेक्स्ट 9 लाइव, और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।